सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है। कब रिलीज होंगे मूवी के सॉन्ग्स? कैसे लगी प्रभास को शूटिंग के वक्त चोट? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सालार मूवी 2022 की अपकमिंग मूवी है। इस मूवी के लीड में प्रभास और श्रुति हसन एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। श्रुति इससे पहले कुछ टाइम के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर थी, लेकिन अब इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया है। बात करें प्रभास की तो इनका क्रेज हर जगह छाया हुआ है। प्रभास इंडिया के पैन इंडियन एक्टर है। ये अपनी फिल्म बाहुबली से काफी ज्यादा फेमस हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में इनकी आई फिल्म राधे श्याम को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि उसकी कंपटीशन में थे कश्मीर फाइल, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोगों ने इस मूवी को देखा ही नहीं। लेकिन आने वाली फिल्म सालार एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। इस मूवी में प्रभास काफी एक्शन और स्टंट्स करते नजर आएंगे। मेकर्स का कहना है कि प्रभास का ये रोल लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। बात करें सालार मूवी की रिलीज डेट की, तो पहले मेकर्स इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 को रिलीज करने वाले थे, लेकिन बढ़ते कोरोना के डर से मेकर्स ने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं बताई है, लेकिन खबरों की माने तो ये मूवी हमें 2022 में ही जुलाई मंथ में देखने को मिल सकती है। अब बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो इसके सॉन्ग्स का सभी को बेसब्री से इंतजार है। किसी भी मूवी के सॉन्ग मूवी आने के कुछ दिन पहले से रिलीज होते हैं। इसके हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी के सॉन्ग्स हमें जून के एंड में सुनने को मिल सकते हैं। इस मूवी के म्यूजिक को रवि बरसूर ने कंपोज किया है। रवि काफी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मूवी के सॉन्ग्स काफी अच्छे होने वाले हैं। इस मूवी के सिंगर्स को लेके अभी कोई न्यूज नहीं आई है। सिंगर्स के बारे में हमें शायद सॉन्ग्स रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। हमें पूरी उम्मीद है इस मूवी में अच्छे सिंगर्स ही होंगे और इसके सॉन्ग्स भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सालार मूवी के लीड एक्टर प्रभास काफी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। वो हर मूवी में अपना बेस्ट देते हैं और कोशिश करते हैं ताकि उनका रोल ऑडियंस को पसंद आए। कुछ महीने पहले सालार मूवी की शूटिंग के दौरान प्रभास को थोड़ी सी चोट आई थी। इस इंजरी के लिए प्रभास का एक माइनर ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने उनको कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए बोला था। प्रभास के ना दिखने की वजह से उनके कई फैंस को ये लगा कि राधे श्याम के रिस्पांस के बाद प्रभास सामने नहीं आना चाहते, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनकी इंजरी की वजह से रेस्ट के लिए बोला गया है, तब सभी ने उन्हें स्पीडी रिकवरी विश किया। हम भी चाहते हैं कि प्रभास जल्दी से ठीक हो, अपनी शूटिंग फिर से कंटिन्यू करें और हमें ये मूवी जल्द से जल्द देखने को मिले। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सालार के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।